नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में गणतंत्र दिवस के दिन जमकर हंगामा हुआ था। सरगुजा जिले के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया बैठक ले रहे हैं। उस वक्त बाहर अपनी मां के साथ पहुंचे युवती ने एक युवा नेता पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया था। युवती के तेवर देख युवा नेता को वहां से भाग दौड़ लगानी पड़ी। सारा मामला महिला की बेटी को लेकर है। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने उसे बंधक बना रखा है। इधर इससे हताश होकर अनिमेश सिन्हा ने तड़के सुबह जहर खा लिया, जिसके बाद आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मरीज की तबीयत खतरे से बाहर है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि जहर खाने का मामला सामने आया है, जिसकी जाँच की जा रही है, और जो पुराना मामला बताया जा रहा है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो वहीं डॉक्टर ने कहा कि जहर खाने का मामला आया हुआ है और मरीज खतरे से बाहर है, फिलहाल आईसीयू में भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इधर जहर खाए नेता ने कहा कि मेरी राजनीतिक करियर को धूमिल करने की कोशिश की गई है और मेरे साथ थप्पड़ मारने की घटना हुई है, वह साजिश के तहत फंसाया गया है। उसमें मेरा नाम अंकित है, जिसमें किसी प्रकार का लड़की ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया। उसके बाद भी सरगुजा पुलिस कोतवाली थाना हरद्वार के सरह में मेरे सोची समझी राजी रणनीति के तहत मेरे को मरवाया गया सर्किट हाउस में, मेरा इज्जत लेने के लिए कि 10 साल मैंने जो राजनीति की है, मेरे छवि को धूलमिल किया जाए और मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि मैं लड़की को ला के दूं, सुपुर्द करूं। कभी बोलते हैं बयान होगा, एक नहीं 3-3 बार बयान हो चुका है, कभी ये बयान होगा, कभी वो बयान होगा। कुल मिला के लड़की को इनको घर वालों को देने का मनसा से मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरे को परेशान करके मेरे को बोला जाता है भैया कि आप क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। अरे मेरी जीवन है, मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक अपहरण जिसका हुआ है वो नहीं बोल रहा है। लड़की किनकी है? लड़की किनकी है? लड़की किनकी है? लड़की वीरेन तिवारी की है। वो वीरेन तिवारी और मेरा ये वीरेन तिवारी से पुराना जमीन का रंजिश है। इसका घर खाली हुआ था उस समय से, ये मेरे ऊपर दुश्मनी निकाल रहा है, मेरे को मारपीट करता है और अपनी नाबालिग लड़कियों को आगे करके मेरे को मरवाया है और मरवा के ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत। सर सबसे पहले नाम ऊपर चलता देंगे। मैं डॉक्टर विजय सिंह प्रधान हूँ और कैजुअल्टी प्रभारी हूँ यहाँ पे। सर एक पेशेंट आया हुआ, क्या नाम है और अभी कंडीशन क्या है और क्या खाया था वो? अनिमेश तिवारी करके पेशेंट है। अनिमेश सिन्हा सिन्हा करके, और अभी आधा घंटा पहले आए हैं वो, और जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं कि रैट किलिंग जो जहर होता है उसको खाया हमने पाउडर के रूप में। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति ठीक है, जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट वो दे दिए हैं उनको गैस्ट्रिक लवाज करा दी, उल्टी करा दी है, इसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती करेंगे, वो सुपरविजन के लिए रखेंगे। सर कुछ घटना हो गई, क्या घटना बता देंगे? जी अभी अभी पता चला कि उनमें सिन्हा कोई नशीली पदार्थ जहरीली पदार्थ खा ली हैं, उसकी सूचना पे यहाँ आए थे तो अभी देखे बात वगैरह की है तो सब नॉर्मल स्थिति है। किन कारणों से सर सामने आया? अभी उनका विधिवत रूप से स्टेटमेंट नहीं लिया गया है कि आज किन कारणों से इन्हें ऐसा कदम उठाया। बीते दिनों कुछ मामला भी चल रहा है इनके ऊपर? हाँ, वो सुनैना तिवारी के घर परिवार को लेकर इनका विवाद चलते आ रहा है, उस पर भी कुछ है? वो बात अभी सामने नहीं आई है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब जैसा बयान में आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।